साहेब रात की तन्हाई के अंदर गरीब के घर में जाके जो है वो पैसे फेंक आना, ये बहुत मुश्किल काम है। इससे मुआशरे में दाद नहीं मिलती है। लोग जो है वो अखबारात में इश्तिहार नहीं छपाते हैं। ये मुश्किल काम है, इसलिए इंसान इस मुश्किल घाटी नहीं चढ़ता है। अल्लाह ताला सूरतुल बलद में इरशाद फरमाया, फलकता मल अकबा वमा अदराका मल अकबा फक्कु रकबा। अल्लाह अकबर। ओ इतआमुन फी यौमिन ज़ी मसगबा। ये मुश्किल घाटी है, किसी फंसे हुए की गर्दन छुड़ाना है, किसी लाचार के काम आना है, किसी दुखी के काम आना है। मेरे और आपके आका मौला हुजूर खत्मियुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद पढ़ने जा रहे हैं, रास्ते के अंदर एक यतीम बिलकता बच्चा देखा। हुजूर रुक गए, सर पे शफकत का हाथ रखा, पूछा बेटे आज ईद का दिन है तुम रो रहे हो? कहा मेरा बाप फलां गजवे में शहीद हो गया, मेरी माँ का साया भी सर पे नहीं, भरी दुनिया में यहाँ मेरा कोई नहीं है, दीवार के साथ लग के बिलक रहा है, ईदगाह में इंतजार हो रहा है, हजारों लोग मुंतजर है। आका करीम ने दिल जोई यतीम को, यतीम की दिल जोई को इतना मुकद्दम समझा कि उसको लेके वापस घर आए और आके कहा कि इसको लिबास दिया जाए, इसको खाना खिलाया जाए। और उसको जिस जैसा हसनैन करीमैन को लिबास दिया गया था ऐसा उस बच्चे को पहनाया गया, खाना खिलाया गया। हुजूर ने एहसास महरूमी दूर करने के लिए मजीद उसके सर पे शफकत भरा हाथ रखा और मुस्कराते हुए फरमाया, क्या बेटा तू इस बात को पसंद नहीं करता कि मोहम्मद तेरा बाप लगे, आयशा तेरी माँ लगे और फातिमा तेरी बाजी लगे? उसने कहा ये रिश्ते मिल जाएं तो और क्या चाहिए? कहा आज के बाद ये तेरे रिश्ते ठहरे। एक उंगली से हसनैन को लगाया है, एक उंगली से वो यतीम बच्चा है। हुजूर ईदगाह की तरफ बढ़ रहे हैं, और भी बच्चे अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं। ये यतीम जुबान हाल से कहता है था तो यतीम लेकिन यतीमी का मजा आ गया, मुस्तफ़ा की उंगली थाम के जा रहा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत जब नस्ल नौ के सामने रखें, आज सिसकती इंसानियत की बात होती है तो आज दुनिया इसकी बात करती है, तो आइए अपने आका की सीरत को इस रूप के अंदर देखें और पढ़ें और उसकी खुशबू को फैलाएं और नस्ल नौ को बताएं कि आका करीम अलैहिस्सलाम किस तरह दुखियों के दर्द बांटने वाले थे और लाचारों यतीमों और मिस्कीनों के किस तरह काम आने वाले थे। समालुल यतामा इस्मतुल लिल आरामल, बेवाओं के आसरे थे और गरीब होके यतीम होके यतीम परवर थे। ये 9 साल की उम्र है हुजूर की, उस वक्त कहा जा रहा है हुजूर के लिए समालुल यतामा, यतीमों का सहारा और आसरा है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने हमें सीरत के जो रुख दिए, सीरत के जो अंदाज सिखाए, यार हुजूर के तो मोजज़ात भी हम देखें तो वहां भी सीरत निखरती हुई दिखाई देती है। मेरी बात अगर तूल ना पकड़े तो मुझे अबू हुरैरा याद आ रहे हैं रदी अल्लाह ताला अन्हो, फरमाते हैं कि एक दिन हाल ये हुआ कि पेट में कुछ भी नहीं था, कई कई दिन गुजर जाते सुफा के चबूतरे पे बैठने वाले लोगों के कि उनको खाने के लिए और पीने के लिए कुछ मुयस्सर ना आता। कहते हैं मैं मस्जिद नबी के ऐसे जावी पे आके बैठ गया जहां लोगों का गुजर होता था, आरजू ये थी कोई गुजरता हुआ शख्स मेरे चेहरे को पलटे और मेरे मन में उतर जाए। हस्ती पलकों के नीचे गम भी पलते हैं मगर कौन देखता है इतनी गहराई में। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं भूख से निडाल था, कब्र सीधी नहीं हो रही थी और सवाल करना मेरी गैरत के मुनाफी था। मेरा ख्याल था कि कोई गुजरता हुआ मेरे हालात से आगाह हो जाएगा। खैर लोग गुजरते गए, मैंने कहा कोई बात करनी चाहिए। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु आए, मैंने उनसे कुरान मजीद की कोई आयत पूछी, उन्होंने आयत बताई और आगे बढ़ गए। शायद वो जल्दी में थे और जो मेरा मसला था वो मालूम ना हो सका उन्हें। फिर मैं मुंतजर रहा, हजरत सिद्दीक अकबर आए रदी अल्लाह तआला अन्हु, मैंने उनसे कोई मसला शरी पूछ लिया, उन्होंने भी मसला बताया और आगे बढ़ गए। मैंने सोचा मेरा मसला तो वहीं रह गया। कहते हैं अब मैं परेशान था कि एक जानिब से रोशनी उठी और दिलो कल्बो निगाह का मुर्शिद अव्वलीन आ गया। हुजूर तशरीफ ले आए तो मैंने हुजूर से भी कोई मसला ही पूछा, हुजूर ने मेरी जानिब गौर से देखा और फिर मुस्करा के बोले अबू हुरैरा भूख लगी हुई है, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। कहा अबू हुरैरा भूख लगी हुई है? मैंने अर्ज की जी हुजूर भूख लगी है। फरमाया मेरे पीछे पीछे आ जाओ। फिर अगला वाक्य आपने उलमा से सुना है, दूध का एक प्याला था, घर वालों से पूछा, उन्होंने कहा ये दूध ही है। कहा अबू हुरैरा? मैंने कहा जी हुजूर। कहा जाओ सुफा वालों को भी बुला लाओ। कहते हैं दूध का प्याला देख के तो खुशी हुई लेकिन 70 लोग थे सुफा के चबूतरे पर बैठे, मैं उनको बुला लाया।
तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथ में प्याला दिया, कहा अबू हुरैरा दाएं से शुरू हो जाओ। मैं एक शख्स को प्याला दिया, दिल धड़क रहा है कि भूख की शिद्दत है, लेकिन जब उसने प्याला अपने मुंह से लगाया और दूध पिया तो मैंने देखा कि एक कतरा भी कम ना हुआ। दिल को तसल्ली हो गई, दूसरे को, तीसरे को, 70 आदमी दूध पी गए लेकिन दूध कम नहीं हुआ। लगता है रब ने उस प्याले का ताल्लुक कौसर की नहर से जोड़ दिया था। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं 70 आदमी पी गए तो हुजूर ने मुझे फरमाया, अबू हुरैरा कौन बाकी? मैंने अर्ज की, हुजूर एक मैं बाकी, एक आप बाकी। फरमाया कि तुम भी पियो। कहते मैंने पिया और रज के पिया। हुजूर ने कहा और पियो। मैंने फिर पिया, सैराब होके पिया। हुजूर ने फरमाया फिर पियो, फरमाया फिर पियो। मैंने कहा मुझे कसम है उस रब की जिसने आपको हक के साथ मबूस किया है, मेरे में एक कतरे की गुंजाइश भी नहीं है। तो हुजूर ने मेरे हाथ से प्याला लेते हुए नोशे जां किया। अल्लाह अकबर, एक प्याला 72 के लिए काफी हो गया। यहां सीरत का बी पहलू हमारे सामने आता है। एक तो तरफ हुजूर के मौजजे का पहलू है कि एक प्याला 72 को काफी हो गया, और सीरत का ये पहलू भी कभी ना भूलिए, दो जहां का सरदार है 71 आदमियों का जूटा पी रहा है। ये पहलू भी निगाहों में रहे और हुजूर की सीरत को मुआशरे में छिड़क दें और आका करीम अलैहिस्सलाम की जमाल सीरत की कि रोशनी कायनात के अंदर बांट दें और हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का चरागन करें। इकबाल कहता है, अगर तुम चाहते हो कि हुजूर अलैहिस्सलाम का प्यार नई नस्ल के अंदर मुंतकिल किया जाए तो फिर ये काम तुम्हें करने पड़ेंगे कि उनको कसरत से दुरूद पढ़ने की तरगीब दी जाएगी, हुजूर के हुस्न व जमाल का तज़किरा सुनाया जाएगा और हुजूर की सीरत की खुशबू उन तक पहुँचाई जाएगी, और मैं कहता हूँ हुजूर के मनाकब और फजाइल की कहानी उन तक पहुँचाई जाएगी, रखी जाएगी, और अजमत मुस्तफ़ा के कसीदे उनके सामने रखे जाएंगे। ये महाफिल नात और ये मजालस नूर और ये महाफिल मिलाद नई नस्ल के अंदर जो है वो हुब्ब रसूल को दाखिल करने का जूद असर जरिया है, और इनके नतायज अगर हम हासिल कर पाएँ और इनको हम मौसर अंदाज से मुनाकिद करें और हमारी महाफिल के अंदर जो कुछ चीज़ें शामिल हो गई हैं जो इनकी इसकी रूह को मशक कर रही हैं उनको दूर फेंकें और फिर इससे जूद असर नतायज हासिल करके हुब्ब रसूल के चरागा नई नस्ल के अंदर किया जा सकता है। और ये बात आपको बताऊं कि उम्मत की वहदत की अलामत ही मोहब्बत रसूल है, और कायनात के अंदर अगर रोशनी और उजाले चाहते हो, इकबाल ने सारा फलसफा इसे एक शेर में निचोड़ दिया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, फिर लोह भी तेरे हाथ में रख देंगे, कलम भी तेरे हाथ में रख देंगे, फिर खुदा बंदे से खुद पूछेगा बता तेरी रजा क्या है। तो अपनी तकदीर का फैसला खुद ही लिख लेना, क्योंकि कलम भी तेरे हाथ में होगा और लोह भी तेरे ही हाथ में होगा, फिर तेरी तकदीर के फैसले वाशिंगटन में नहीं होंगे, फिर तेरे हाथ में सब कुछ दे दिया जाएगा अगर तू हुजूर के साथ वफा का रिश्ता मुस्तहकम कर लेता है। हजरत उमर याद आए, अर्ज़े तहामा से गुजरे तो फूट फूट के रोने लगे। किसी ने कहा उमर ये बच्चों की तरह बिलख के रो रहे हो। हजरत उमर कहने लगे मुझे माजी याद आ गया, मेरे बाप खताब ने 5 ऊंट दिए थे, इनको लाइन में खड़ा करो, मैं आगे वाला सीधा करता था तो पीछे वाला टेढ़ा हो जाता था, पीछे वाला सीधा करता था तो आगे वाला टेढ़ा हो जाता था, मेरे बाप ने मुझे बड़ा मारा था। एक अरब के बेटे होकर 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते, और आज शर्क से लेकर गरब तक सारी इंसानियत एक लाइन में खड़ी है, उमर से तो 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते थे, ये सब कुछ कैसे हो गया? ये मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका नहीं है तो और क्या है? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।